हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि सीएनसी प्रोग्रामिंग हमें कैसे करनी है, मिलिंग की प्रोग्रामिंग हमें किस प्रकार से करनी है। तो सीएनसी प्रोग्रामिंग में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैंने जैसे आपको पहले बता चुका हूं कि कोऑर्डिनेट G90 और G91, मतलब हमें कोऑर्डिनेट ड्राइंग को देख के वर्क पीस के कोऑर्डिनेट हमें निकालने आने चाहिए, चाहे वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट हो G90 में या इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट हो G91 में। तो वो कोऑर्डिनेट हमें सबसे पहले वो आने चाहिए, जैसे लिखा हुआ यूनिट्स, इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, इसके बारे में हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हमें एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करने हैं और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट कैसे करना है। कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, आर एक्स आर वाई आर जेड, जो भी है, मतलब जो भी वैल्यू होगी एक कोऑर्डिनेट की, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, फीड रेट और स्पिंडल स्पीड। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से मटेरियल का टूल यूज कर रहे हो, आपकी जॉब का मटेरियल क्या है और आपने उसके लिए फीड रेट कितना रखना है। फीड रेट मैंने जैसे कि आपको बताया था, मोस्टली हम मिलिंग मशीन में एमएम पर मिनट रख रहे हैं। तो आप अगर हाई स्पीड स्टील का टूल यूज कर रहे हो और एमएस की जॉब यूज कर रहे हो माइल्ड स्टील की, तो आप 50 mm, मैक्सिमम 50 mm पर मिनट रख सकते हो। अगर आप कार्बाइड की यूज कर रहे हो, टूलिंग यूज कर रहे हो, तो उसके 8 टाइम यानी कि 200 mm पर मिनट भी आप रख सकते हो। उसी प्रकार से स्पिंडल स्पीड आपको पता होनी चाहिए कि आपने आपका मटेरियल कौन सा है जॉब का और टूल का मटेरियल क्या है, तो आपने उसके लिए कितनी कटिंग स्पीड रखनी है और कटिंग स्पीड के अकॉर्डिंग आपको आरपीएम कैलकुलेट करके आपने आरपीएम चलाने हैं। ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि हम कन्वेंशनल मशीनों में भी यूज करते हैं कि कितनी हमें फीड रखनी चाहिए और कितनी हमें स्पिंडल स्पीड रखनी चाहिए। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, हमारी कितनी प्रोडक्शन निकलती है, हमारी टूल की एफिशिएंसी, हमारी मशीन की एफिशिएंसी, सब चीजें, हमारी सरफेस फिनिश, जॉब की सरफेस फिनिश कैसी है, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं हमारी फीड रेट और स्पिंडल स्पीड पे। तो अगर हम सही फीड रेट और सही स्पिंडल स्पीड नहीं देंगे तो हमारी टूल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी, मशीन की परफॉर्मेंस सही नहीं आएगी, हमारा जो है प्रोडक्शन हमारा सही नहीं होगा, मशीन हमारी सही ढंग से यूटिलाइज नहीं होगी, सरफेस फिनिश सही नहीं आएगी जॉब की। तो कूलेंट ऑन और ऑफ, कूलेंट हमें जब हमें इतनी हाई स्पीडिंग कटिंग करनी है, आरपीएम हमें ज्यादा रखने हैं, फीड हमें ज्यादा रखनी है, तो फीड हमें कूलेंट इसमें वो भी जरूरी है, उससे हमारी टूल की लाइफ इंक्रीज होती है, हमारी जॉब की फिनिश, सरफेस फिनिश जो है वो इंक्रीज होती है। टूल कंट्रोल, टूल टूल एंड टूल पैरामीटर्स, टूल टूल एंड टूल अप टूल पैरामीटर्स हमें, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, टूल की लेंथ कितनी है, टूल का रेडियस कितना है, टूल किस टाइप का है, वो हमें सारे पैरामीटर उसमें डालने पड़ते हैं। तो प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन फॉर्म अ लेटर कोड्स। प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग के अंदर एक इंस्ट्रक्शन की सीरीज है जिसमें हम एक्स वाई जेड का एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू और उसके साथ में हम किस टाइप का ऑपरेशन करना चाहते हैं, जैसे हमें मशीन को रैपिड में चलाना है तो G0, जैसे हमें लीनियर इंटरपोलेशन में चलाना है, सीधा कटिंग करते हुए चलाना है तो G01, अगर हमें सर्कुलर कटिंग करनी है तो G02, मतलब ये लेटर कोड जो है, वो लेटर कोड ये चीज है। तो ये एक इंस्ट्रक्शंस की सीरीज है जिसमें हम लेटर कोड्स यूज करते हैं।
प्रेपरेटरी कोड्स जैसे कि जी कोड है, इनिशियल मशीनिंग सेटअप एंड एस्टेब्लिशिंग ऑपरेटिंग कंडीशन, एन कोड है। एन कोड मीन्स एन कोड होते हैं जो कि स्पेसिफाई हमारा जो हमारी लाइन होती है, लाइन नहीं बोलते हम इसमें सीएनसी लैंग्वेज में, जैसे एक लाइन का प्रोग्राम है तो उसको हम बोल देते हैं ब्लॉक। जो एक लाइन है वो एक ब्लॉक कहलाती है, और वो जब लाइन स्टार्ट होती है तो उसको हम एन से डिफाइन करते हैं। जो ब्लॉक स्टार्ट होता है वो एन से होता है। वो क्या है, वो उस ब्लॉक का एड्रेस है। जैसे हमने उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है ठीक उसी प्रकार से N5 रख लिया हमने, तो वो जो लाइन है उस लाइन को हम बोल देते हैं ब्लॉक, और उसके एंड में हम फुल स्टॉप कॉमा या LF या स्टार इस तरह से कुछ डाल देते हैं जो मशीन जो लेती है। किसी मशीन में कोई मशीन LF को रीड करती है, कोई मशीन पॉइंट और कॉमा को यूज करती है, कोई मशीन स्टार को यूज करती है, उसका मतलब है एंड ऑफ ब्लॉक। तो एन का मतलब है वो है उस ब्लॉक का एड्रेस, उस ब्लॉक का एड्रेस, उसका नाम हम आप कुछ भी रख सकते हो, N5 रख सकते हो, N2 रख सकते हो, N10 रख सकते हो, और लास्ट में आपने तो उसमें जो X की वैल्यू दोगे आप, Y की वैल्यू दोगे, Z की वैल्यू दोगे। तो अगर उसमें कुछ मिस्टेक है, उसमें कुछ एरर है, तो आपका सिस्टम में एकदम से सामने आ जाएगा, अलार्म आ जाएगा कि N10 में या N20 में एरर है। अभी क्या है, कुछ एक्सपर्ट प्रोग्रामर क्या करते हैं, कुछ एक्सपर्ट प्रोग्रामर एक एक टूल के लिए एक N यूज कर देते हैं, N10, और 10 लाइन का प्रोग्राम बना देते हैं। अब 10 लाइन का प्रोग्राम या 15 लाइन का या 20 लाइन का पूरा उस टूल का प्रोग्रामिंग कर देते हैं, जैसे ड्रिल है तो ड्रिल के N10 ले लिया और पूरी प्रोग्रामिंग कर दी। तो उस प्रोग्राम उन 10 लाइनों में अगर कोई मिस्टेक है तो मशीन आपकी यही बताएगी कि N10 में एरर है। अब N10 में तो 10 या 20 लाइनें हैं, 20 ब्लॉक हैं। अब उन 20 ब्लॉक में आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी लाइन में, यानी कि कौन से ब्लॉक में एरर है। जब आप नए नए स्टार्ट कर रहे हो, आप प्रोग्रामिंग नए नए सीख रहे हो, तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं आप लोगों को कि आप हर ब्लॉक में ब्लॉक नंबर दीजिए, पहले में N1, N2, N3, N4 या N2, 4, 6, 8, 10 या N5, 10, 15, हर ब्लॉक में आप ब्लॉक नंबर देंगे तो आपके हर ब्लॉक की डिटेल मशीन को पता चल जाएगी, और मशीन में एकदम से मशीन आपको बता देगी कि N20 में, N25 में, N30 में एरर है। तो आपसे कोई मिस्टेक होगी स्टार्टिंग में, क्योंकि जब आदमी नया नया कोई काम करना स्टार्ट करता है तो उसमें मिस्टेक्स ज्यादा होती हैं। तो इसलिए हर ब्लॉक में आपने ब्लॉक नंबर डालना है। तो प्रेपरेटरी कोड ये हो गया, एक्सिस कोड XYZ यूज करते हैं हम, यूजिंग स्पेसिफाई मोशन ऑफ द स्लाइड अलोंग द एक्स एक्सिस, कितना मूव करेगा, 10 mm मूव करेगा, 20 mm मूव करेगा, वाई एक्सिस कितना मूव करेगा, जेड की डायरेक्शन, जेड कितना मूव करेगा। फीड में फीड एंड स्पीड कोड, F से हम फीड देते हैं, F20, F50, F100, F400, F300, जितनी आपने फीड देनी है। S से हम स्पिंडल के RPM देते हैं, M03, S1000, S2000, जितने RPM पे आपको मशीन चलानी है। T से हम टूल का कोड होता है, जो हम टूल चूज करते हैं, स्पेसिफाई टूल नंबर को बताते हैं कि यह T5, तो T5 मतलब 5 नंबर टूल, और T6 6 नंबर टूल, T8 8 नंबर टूल। मिसलेनियस कोड यूज करते हैं, M कोड फॉर कूलेंट कंट्रोल और अदर एक्टिविटीज, जैसे कि M03 स्पिंडल क्लॉकवाइज, M04 स्पिंडल काउंटर क्लॉकवाइज है। तो इस तरह से हम ये कोड कुछ यूज करते हैं। अभी कुछ प्रोग्रामिंग कीज हैं, जैसे कि ओ क्या है, फानुक सिस्टम में ओ से हम प्रोग्राम का नंबर लिखते हैं। जैसे हमारा नाम कुछ भी है, वैसे प्रोग्राम का भी हमें कुछ ना कुछ
नंबर रखना पड़ता है जब हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ओ 1 2 3 4 चार अक्षर का उसका कोई नाम रखना पड़ता है। फानुक में ओ से रखते हैं, ओ सीरीज के अगर जो हमारे पास कंट्रोल सिस्टम है। सीमेंस में हम जो है वो परसेंटेज से रख लेते हैं, सीमेंस सिस्टम में परसेंटेज 1 2 3 4 परसेंटेज 5555। या आजकल जो लेटेस्ट कंट्रोलर हैं उसमें जैसे हम अपने नाम से कोई फोल्डर बना लेते हैं, कुछ भी संदीप मंदीप कुछ भी, तो उस नाम से भी हम प्रोग्राम का नाम, आजकल के जो लेटेस्ट कंट्रोल हैं उसमें तो प्रोग्राम का नंबर वो आपको मशीन के मैनुअल से पता चल जाता है, या पुराने प्रोग्राम को देख लो तो प्रोग्राम का नाम कैसे दिया हुआ है उस प्रकार से आपने प्रोग्राम का नाम देना है। एन मीन्स सीक्वेंस नंबर, जो ब्लॉक का सीक्वेंस नंबर है। यही चीज मैंने आपको बताई है, ये सीक्वेंस नंबर ये आपने हर ब्लॉक पे देना है। अभी स्टार्टिंग में जब आपको साल दो साल काम करते हुए हो जाते हैं, फिर आप उसको टूल वाइज एक टूल का एक ब्लॉक नंबर दे सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ब्लॉक नंबर ही यूज करना है। आपने हर ब्लॉक पे एन देना है, जैसे टी, जैसे आपने लिख दिया टी T01M06 तो उसके आगे ब्लॉक नंबर दे देना। फिर आपने लिख दिया M03S1500 तो उसके आगे भी ब्लॉक नंबर दे देना। तो ऐसे सीक्वेंस नंबर या ब्लॉक नंबर एक ही बात है, वो हर ब्लॉक के आगे आप नंबर देंगे तो आपकी मिस्टेक्स, आपको अगर कहीं पे कुछ एरर हो जाता है, कहीं पे आपको वाई की जगह पे एक्स लिख देते हो या लिख देते हो या कुछ, तो आपको मशीन के अलार्म से काफी सपोर्ट मिलेगी। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कितनी देर, हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है कि हमने कहीं पे पॉइंट नहीं लगाया या कोई इलीगल कोड यूज कर दिया, हम डालना चाहते थे आई, हमारे दिमाग में कुछ और आ गया, एम आ गया या कुछ आ गया, तो वो हम डाल देंगे, तो इस तरह से हमें पता नहीं चलता है। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपने हर ब्लॉक के आगे सीक्वेंस नंबर देना है या ब्लॉक नंबर देना है। टी जो है हमारे प्रेपरेटरी फंक्शंस हैं, जैसे आपने मशीन को रैपिड में चलाना है तो G00, अगर आपने लीनियर इंटरपोलेशन में चलाना है तो G01, अगर आपने सर्कुलर मोशन में चलाना है क्लॉकवाइज तो G02, एंटी क्लॉक सर्कुलर चलाना है तो G03, इस तरह से आपने प्रेपरेटरी फंक्शंस यूज करने हैं। तो आपको जी कोड अच्छी तरह से याद होने चाहिए, अच्छी तरह से आपको उनकी समझ होनी चाहिए कि भाई कौन सा कोड किस लिए यूज होता है, किसी किस्म की इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए या अधूरी जानकारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉस्टली मशीन होती है, टूलिंग कॉस्टली होती है, जो ऑपरेटर मतलब फुली कॉन्फिडेंट होना चाहिए, जो प्रोग्राम बना रहा है वो फुली कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आधी अधूरी जानकारी है आपको और आप प्रोग्राम बनाने लग गए तो उससे क्या होगा, उससे एक्सीडेंट होगा और ज्यादा नुकसान होगा आपकी मशीन का। एक्स एक्स एक्सिस डेजिग्नेशन, एक्स एक्सिस का डेजिग्नेशन है भी एक्स आपने कितना मूव करना है, 10 mm मूव करना है, 100 mm मूव करना है, 200 mm। वाई एक्सिस डेजिग्नेशन, वाई एक्सिस कितना मूव करना है, जेड एक्सिस कितना मूव करना है, ये जी कोड के साथ, ठीक है। आर रेडियस डेजिग्नेशन है, आर जो है वो रेडियस के लिए यूज करते हैं, मैंने बताया आर जब हमें मतलब 180 डिग्री या ऐसे वो देना हो तो हम आर यूज करते हैं, अगर फुल सर्कल 360 डिग्री में हमें सर्कल लगाना हो तब हम आई जे यूज करते हैं, अदरवाइज आर ही यूज करते हैं, ये हम ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फीड रेट एफ से देना है, स्पिंडल डेजिग्नेशन एस से देना है, टूल लेंथ कंपनसेशन, जो टूल की लेंथ है, एक होता है टूल रेडियस कंपनसेशन, एक होता है टूल लेंथ कंपनसेशन, तो टूल लेंथ जो है वो एच से देना है, टूल की लंबाई, भाई आपने D1 में टूल की लंबाई दे रखी है तो वहां पे लिखना पड़ेगा D1 या H1, तो या D2 में लिखी है तो D2 या H2, तो वो जहां पे आपने लंबाई और रेडियस दिया हुआ है वहां से ये H लेना है लंबाई के लिए, H के लिए D टूल रेडियस ऑफसेट डेजिग्नेशन है, टूल रेडियस डेजिग्नेशन ये लेंथ के लिए है और ये रेडियस के लिए है जी। टी टूल डेजिग्नेशन है और एम मिसलेनियस फंक्शंस है, एम क्या है, मिसलेनियस फंक्शंस है। वैसे जब आपने इन दोनों में से आप
अगर एच दे दोगे, क्योंकि एक ही में टूल उसी उसी में ही टूल लेंथ भी होती है और उसी में ही टूल रेडियस भी होता है, तो आप डी भी दे दोगे तो वो एच भी ले लेगा। अगर आपने एच दे दिया तो वो डी भी ले लेगा, दोनों कोड देने की आवश्यकता नहीं होती, इन दोनों में से एक भी ले लोगे आप, यूज कर लोगे तो हो जाएगा, क्योंकि जहां पे आपने टूल लेंथ दी होगी उसी के साथ में आपने नीचे टूल का रेडियस भी दिया होगा, टूल की डिटेल होगी। तो ये कुल मिला के टूल की डिटेल है, दोनों में से एक कोड आप यूज कर सकते हो, या डी यूज कर लो या एच यूज कर लो, एक ही बात है, क्योंकि वो जो शीट खुलेगी उसमें टूल की लंबाई आएगी, टूल का रेडियस आएगा, टूल का टाइप आएगा। तो इस प्रकार से दोनों कोड, इन दोनों में से या एच यूज करोगे आप या डी यूज करोगे। तो ये प्रोग्राम के कुछ की लेटर्स हैं जिनका हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। ये देखिए, जैसे ये है कॉमन फॉर्मेट ऑफ ब्लॉक। अब ब्लॉक का हम कैसे फॉर्मेट बनाते हैं, जो मैंने बताया पूरी एक लाइन है वो एक ब्लॉक है। N50, N50 क्या है, सीक्वेंस नंबर है, ब्लॉक का नंबर है, मतलब इस ब्लॉक का एड्रेस है ये N50। अगर आपके यहाँ इसमें कुछ गलती हो गई, आपने सपोज करो पॉइंट डालना भूल गए मशीन आपकी, तो या कुछ ऐसा लेटर डाल दिया कि जो मशीन नहीं लेती है, तो मशीन बता देगी कि इस N50 में आपके एरर है, तो आप फिर उसको ध्यान से देखेंगे और उस मिस्टेक को, उस एरर को करेक्ट कर लोगे। तो उसके बाद प्रेपरेटरी फंक्शंस, G90, G90 को यूज करोगे, भाई हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं, G01 एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू है, तो वो जी कोड जो हो गया वो हो गया प्रेपरेटरी फंक्शंस। डायमेंशन वर्ड, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू जो आएगी, भाई G01 में एक्स कितना मूव करेगा वाई कितना मूव करेगा, वो वैल्यू आ गई डायमेंशन वर्ड। ये डायमेंशन हम हमारी जो 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 हम ऑपरेशन करने जा रहे हो उसका जो जो डायमेंशन होगी, कोई स्लॉट काट रहे हैं तो स्लॉट की लंबाई कितनी होगी लॉन्गिट्यूडनली, और वाई में कितना हमारा एक्सिस मूव करेगा, तो ये उसकी डायमेंशन होगी। फीड F10 है, F20 है, मतलब F10 क्या है, F10 mm पर मिनट। अगर आप F20 दे दोगे तो F20 mm पर मिनट, मतलब 1 मिनट में आपका एक्सिस जो है वो 20 mm या 10 mm मूव करेगा। उसी प्रकार से स्पिंडल फंक्शन, स्पिंडल फंक्शन में S1500, तो 1500 आरपीएम पे आपके जाएगा। टूल फंक्शन T01, मतलब एक नंबर टूल यूज करना है आपने तो एक नंबर टूल यूज कर सकते हो, दो नंबर करना है दो नंबर टूल यूज कर सकते हो। और मिसलेनियस फंक्शन M03, M03 किसके लिए होता है, स्पिंडल, जैसे ये है इसके साथ दोगे आप M03 S1500। अब इसमें क्या है, इसमें आपको मैं एक चीज मजेदार बात भी ये बताता हूँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने ये M03 यहाँ लिख दिया, इसको आप यहाँ लिख दो, ये X यहाँ लिख दो। जब मशीन रीड करती है तो मशीन रीड पूरे ब्लॉक को एक साथ ही रीड करती है, और इसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसमें एक्शन इमीडिएट सारा कुछ एक साथ ही होगा। ऐसे नहीं है कि ये पहले लिखा है तो ये पहले चलेगा ये बाद में चलेगा, ये जो ब्लॉक में, एक ब्लॉक में जो कुछ लिखा हुआ है उसका मशीन से, मशीन जो रिएक्ट करेगी वो एक साथ करेगी। तो इसलिए M03 आपने यहाँ पे लिख दिया या यहाँ पे लिख दिया या यहाँ पे लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। F10 आपने पीछे लिख दिया आगे लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये किसी भी वर्ड को, आप किसी भी चीज को आप कहीं भी लिख सकते हो एक ब्लॉक में, पर एक ब्लॉक में। और यहाँ पे फिर लास्ट में एंड ऑफ ब्लॉक लग जाएगा, जिसको मैंने बोला आपको LF या फुल स्टॉप कॉमा या स्टार। तो इस तरह से आप वो कर सकते हैं। मैं 1 मिनट अटेंडेंस ले लूं जरा। तो नेक्स्ट में चलते हैं हम। ये देखिए बेसिक आईएसओ फॉर्मेटिंग, बेसिक आईएसओ प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं हम। जैसे हमने ये लगा रखा है ब्लॉक स्ट्रक्चर, ये ब्लॉक स्ट्रक्चर हमारा इस प्रकार से होगा। ये मैंने एक ये स्लैश लगा रखी है आगे, तो स्लैश का क्या मतलब है, ब्लॉक स्किप कंडीशन।
जैसे हमारे जिस प्रकार से हमारे क्या होता है, हम चाहते हैं, पहले ये स्किप फंक्शन हमारे टीवी के रिमोट में भी आता था कि हम किसी चैनल को नहीं देखना चाहते तो वो ऑटोमेटिक उसको उस चैनल को हम स्किप कर देते थे। तो उसके बाद जो है 103 चल रहा है तो फिर सीधे 105 चलेगा, 104 बीच में से नहीं चलेगा चैनल नंबर। तो सेम इसका भी वही फंक्शन है। आजकल तो टीवियों में आता नहीं है, लेकिन पहले आजकल से आज से 5-7 साल पहले टीवी में ये स्किप स्किप फंक्शन आता था। तो ये स्किप फंक्शन क्या है, ये भी स्किप फंक्शन ऐसे है, सपोज करो कोई ब्लॉक आप को स्किप करना चाहते हो, मतलब रन नहीं करना चाहते, उसको रन नहीं करना चाहते, तो उसमें उसके आगे इस प्रकार से स्किप कर दोगे ब्लॉक स्किप कंडीशन, तो वो ब्लॉक को मशीन रीड नहीं करेगी, उस ब्लॉक को मशीन रीड नहीं करेगी, इससे पहले वाले को करेगी और इसके बाद वाले को करेगी इसके आगे। लेकिन मशीन के अंदर एक मशीन कंट्रोलर होता है, उसमें स्किप जो फंक्शन है उसको पहले आपको ऑन करना पड़ेगा, तभी मशीन इसको रीड करेगी। अगर स्किप फंक्शन को आपने मशीन के अंदर ऑन नहीं किया है और यहाँ स्किप का वो लगा हुआ है, तो फिर वो इस ब्लॉक को भी रीड कर देगी। इसलिए पहले प्रोग्राम कंट्रोल में जाके मशीन के अंदर स्किप फंक्शन को ऑन करना है, क्योंकि स्किप फंक्शन की जरूरत हमें कभी कभी पड़ती है। तो ये अदरवाइज अगर इस ब्लॉक को नहीं चलाना है तो हम लिखेंगे ही नहीं इस प्रोग्राम में। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि कोई ब्लॉक है उसमें हमें उसकी जरूरत नहीं है बीच में से, तो उसको स्किप कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शनल है आपके पास, अदरवाइज तो हम ब्लॉक ही हटा देंगे तो वो रीड कहाँ से करेगा। नंबर दो है एन ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन, जो मैंने आपको बोला ब्लॉक का एड्रेस है या ब्लॉक की आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई द ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन, इसकी जो भी आपने इस ब्लॉक के अंदर इंफॉर्मेशन डाली है ये उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जैसे हमारे घर का नंबर होता है, मकान का नंबर होता है, या तो उससे हमें पता चल जाता है, घर ढूंढने में आसानी रहती है। उसी प्रकार से इस ब्लॉक का ये एड्रेस है, तो ये आपको बहुत मदद करता है। अगर सपोज करो आपका 500 ब्लॉक का एक प्रोग्राम है, अगर 300 ब्लॉक चलने के बाद आपकी लाइट चली जाती है, अगर आपने ब्लॉक नंबर नहीं डाला तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से ब्लॉक से लाइट गई है, और फिर आपको स्टार्ट से नहीं चलाना पड़ेगा। अगर आपने ब्लॉक नंबर हर ब्लॉक पे नंबर डाले हुए हैं तो आप 300 नंबर से आप दोबारा चला सकते हो, मतलब वो जो 300 है, जो आपकी आधा घंटा 15 मिनट या 1 घंटा पौन घंटा मशीन चली है, वो आपको दोबारा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे से वहीं से मशीन को वहीं से चला सकते हो। तो आपकी अगर ब्लॉक में कहीं पे मिस्टेक है तो वो फट से बता देगा कि आपके इस ब्लॉक में मिस्टेक है। मिस्टेक इस प्रकार से नहीं बताएगा, मिस्टेक्स भी देखिए, मिस्टेक्स का भी कोई कैटेगरी होती है। अब आप लिखना चाहते हो X100, आप लिखना चाहते हो X10 और आपने लिख दिया X100, तो वो X100 ही पड़ेगा, उसको नहीं रीड कर पाएगा, क्योंकि मशीन को नहीं पता कि आप X10 लिखना चाहते हो या X100 लिखना चाहते हो। लेकिन कई वर्ड ऐसे हैं कि जैसे मशीन नहीं लेती है, जैसे कि जैसे सपोज करो आप लिखना चाहते हो I, लेकिन लिखा गया आपसे L, तो वो फट से बता देगा कि आपने इलीगल वर्ड यूज किया है N50 में या N20 में आपने, तो या कहीं पे पॉइंट नहीं लगाया, तो वो पॉइंट नहीं लगाओगे तो वो 140 पॉइंट सपोज करो 0 लिखा है आपने और पॉइंट नहीं लगा तो वो 1400 पड़ेगा। अब 1400 आपकी मशीन की कैपेसिटी नहीं है तो वो बता देगा कि आपकी मशीन की इतनी वो नहीं है, तो इस पॉइंट लगाना अगर आप भूल गए, तो इस प्रकार के मिस्टेक जो है वो मशीन बता देगी आपको। या कोई इलीगल वर्ड यूज कर लिया आपने यूज, या कोई ऐसी सिली मिस्टेक हो जाती है, कई बार पॉइंट नहीं लगता या कुछ नहीं लगता, तो वो जो ये है, इसलिए ये मैंने आपको बोला ये हर ब्लॉक के आगे आपने देना ही देना है। नेक्स्ट है प्रिपरेटरी फंक्शन, ऑलरेडी हम डिस्कस हो गए, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू जितना है जी। उसके बाद अगर ए बी सी एक्सिस भी हैं साथ में मशीन के, बी एक्सिस है, रोटरी एक्सिस है या सी एक्सिस है, तो उसकी भी वैल्यू दे सकते हो। और फीड फंक्शन, स्पीड फंक्शन, साथ में आपने टूल नंबर देना है डी, टूल ऑफसेट का नंबर देना है डी, मैंने देखा ना आपको बताया था यहाँ पे कि या डी देंगे या एच देंगे, तो यहाँ पे टूल ऑफसेट नंबर दे दिया, डी दे दिया D01, तो उससे टूल की लंबाई भी ले लेगा और
और ये एम है मिसलेनियस फंक्शंस, और जैसे M08 आपने कूलेंट ऑन करना है, और ये N क्या है नंबर ऑफ ब्लॉक रिपीटेशंस, अगर कोई ब्लॉक को आपने रिपीट करना है, और ये ब्लॉक कमेंटमेंट एंड ऑफ ब्लॉक जिसको बोलते हैं, ये कमेंट लिख रहे हैं, ये एंड ऑफ ब्लॉक इसका नाम है एंड ऑफ ब्लॉक फुल स्टॉप कॉमा या स्टार लग देते हैं या LF लिख देते हैं किसी में, तो ये इस प्रकार से ये अभी देखिए ये एक ड्राइंग है हमारे पास, एक सिंपल प्लेट है हमारे पास। अब प्लेट में क्या है, एक प्लेट है हमारे पास, उस प्लेट की लंबाई है हमारे पास 70 mm और 60 mm उसकी चौड़ाई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ये आपका लंबाई में एक्स एक्सिस टेबल के ऊपर हमने इसको बांध दिया, टेबल चाहे टेबल के ऊपर बांधा, वाइस के ऊपर बांधा, जो भी फिक्चर के ऊपर बांधा, और इसमें 2 mm हमने डेप्थ ऑफ कट, हमने ये वर्टिकली 2 mm डेप्थ ऑफ कट लेके हमें इसको कट करना है, और ये हमारा जीरो ऑफसेट है, ये हमारा क्या है जीरो ऑफसेट है। अब यहाँ पे हमने जीरो ऑफसेट रखा हुआ है, और ये हमारी ये हमारा 70 mm लंबा, और अब इसमें क्या है, इसमें हमने सबसे पहले हमने क्या किया, N00 देखिए हर एक ब्लॉक के आगे हमने ब्लॉक नंबर डाले हैं, इससे क्या होगा, इससे कहीं पे हमारी मिस्टेक होगी तो हमें पता चल जाएगा, इसलिए हर ब्लॉक के आगे ब्लॉक नंबर डालने अति आवश्यक है। सबसे पहले हमने लिखा T1D1 है, T1D1 T1 क्या है टूल डाया 28 mm का है एंड मिल, ठीक है, और D1 क्या है, D1 हमारा टूल ऑफसेट क्या नंबर है, मतलब इस T1 का जो टूल की लंबाई है, टूल का रेडियस है, वो D1 में भरा हुआ है, और M06 टूल चेंज, तो ये M06 भी हम यहीं पे भी लिख सकते हैं, T1 D1 और M06 एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरी लाइन में भी लिखा है, कोई चक्कर नहीं, एक ही बात है, चाहे एक लाइन में लिख दें चाहे दो लाइन में लिख दें, तो टूल चेंज हो जाएगा हमारी स्पिंडल में, एक नंबर टूल के अंदर हमारा 28 mm का एंड मिल कटर हमारा बंधा होगा अडेप्टर के साथ में, और उसकी जितनी टूल की लंबाई है और टूल का जो डाया रेडियस है वो हमने टूल ऑफसेट में भरा होगा, रेडियस इसका अगर टूल का डाया कितना है 28 mm है तो 14 mm हमने रेडियस उसमें वहां पे लिखा होगा, ठीक है। फिर वो लिख रहा है G00, अब टूल आपका कहीं पे भी है उसको पहले पोजिशनल टूल के पास लेके आना, वर्कपीस के नजदीक लाना पड़ेगा हमें, तो G00 रैपिड में आएगी मशीन, मतलब एकदम फास्ट आएंगे एक्सिस, जो जो एक्सिस हम मूव करेंगे। G43 है टूल लेंथ कंपनसेशन पॉजिटिव, मतलब टूल ऊपर की तरफ जो लंबाई है उसकी वो कंपनसेट होगी G43। X14, अब ये देखिए ये जीरो ऑफसेट से ये जो जॉब हमारी स्टार्ट होती है वो 20 mm है, उसने X14 पे रोक दिया है, Y40 है, तो ये Y40 पे इसने, ये देखिए ये ग्राफ देखिए आप, Y40 और Z100 यानी कि इस टॉप पोजीशन से 100 mm ऊपर उसने टूल को रोक दिया है। F400 जब G00 दिया है तो फीड रेट देने की आपको आवश्यकता नहीं है, फीड देने की आपको आवश्यकता नहीं होती है यहाँ पे G00 में, S1500 और M03 मतलब स्पिंडल क्लॉकवाइज। तो मेरे ख्याल से इस लाइन की आपको सारी डिटेल पता चल गई, G0 रैपिड ट्रावर्स, G43 क्या है टूल लेंथ कंपनसेशन पॉजिटिव, टूल की लंबाई, और
G43। इसके बाद में मेरा इसकी बैटरी खत्म होने वाली है, एक मिनट, मैं कुछ देर के लिए 2 मिनट के लिए होल्ड कर सकता हूँ, 2 मिनट के लिए होल्ड कर रहा हूँ मैं। सॉरी, एक्चुअली इसकी बैटरी खत्म हो गई थी। अच्छा, तो G0 आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है? यस लिख दीजिए चैट बॉक्स में। क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है, तो G00 रैपिड ट्रावर्स, G43 टू लेंथ कंपनसेशन पॉजिटिव, X14। अब X14 क्या है? अब आप देखिए, ये कटर है आपके पास, ये कटर आपके 28 डायामीटर का है, जो एंड मिल कटर है ये 28 डायामीटर का है। तो 28 डायामीटर का जो हाफ होगा वो कितना होगा? 14। तो उसने क्या किया, इसको यहाँ से ये 14 mm दूर रखा, तो ये जो कटर का एज है बिल्कुल इसके पास से निकलेगा। आप 14 नहीं तो आप 15 भी रख सकते हो, तो इसका एज इस पे टच नहीं करेगा बिल्कुल भी। और Y40 उसने आपका कटर क्या है, Y40 आधा मतलब जॉब के ऊपर है और आधा जॉब से बाहर है। इस प्रकार से ये मेरे कर्सर को देखिए आप, और Z 100 mm, Z 0 पोजीशन से 100 mm, 0 पोजीशन नीचे है इसका, जो बेस है वहां 0 है, जो बेस है वो 0 है, उससे 100 mm ऊपर रखा है उसने, 100 mm ऊपर रखा है। ये देखिए, ये 0 है और ये देखिए, ये आई थिंक 60 है और 58 हमने तैयार करना है, जो मतलब 0 उसने नीचे जहां बेस जिस बेस पे जिस टेबल में जॉब हमारी रेस्ट कर रही है उसको 0 माना हुआ है, और 60 mm उसकी टोटल हाइट है, तो 58 हमें तैयार करनी है, 2 mm तैयार करनी है। तो उसने तो हमारे 60 तो हमारी जॉब ही है, तो उससे भी 40 mm ऊपर उसने पोजिशनिंग की है, मतलब जॉब के टॉप से 40 mm ऊपर उसने टूल को पोजीशन किया है, सेफ है। रैपिड ट्रावर्स में हमें वैसे फीड देने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उसने दिया है। और S 1500 RPM पे आपका स्पिंडल चलेगा, M03। अभी क्या किया उसने, G00 G58, अब उसने G00 G58 सीधे G58 के ऊपर, ये देखिए 58 है ना, ये यहाँ 60 है, तो 58 पे उसने टूल को पोजीशन कर दिया है, नीचे ले आया टूल को, पहले टूल ऊपर था 100 mm पे, अब उसको 58 पे ले आया। अब क्या है, अब टूल हमारा पूरी तरह से स्पिंडल स्टेम हमारा घूम रहा है और यहाँ पे पोजीशन हो गया है पूरा, जितनी उसने लेंथ मेंटेन करनी है जॉब की थिकनेस जितनी मेंटेन करनी है उस पोजीशन पे आ गया है।
और एक किनारे पे खड़ा है कार्य करने के लिए, अपना ऑपरेशन करने के लिए, लीनियर इंटरपोलेशन में कटिंग करने के लिए G58। फिर लिख दिया हमने G01 X 116। अब देखिए, अब 116 क्यों X मूव किया, हमारी जॉब की लंबाई तो 70 mm है, इसने 14 mm तो यहाँ है और 14 ये यहाँ से बाहर आएगा तब वो क्लियर होगा, 14 वो यहाँ से बाहर आएगा, तो 70 और 28 कितना हो गया, मतलब 70 नहीं, यहां से तो पूरा का पूरा 32 mm बाहर आएगा, सॉरी 28 mm बाहर आएगा, तो 28 ये है और 14 mm ये है, तो 28 और 14 कितना हो गया, 28 और 14 आठ से 14 दो और एक 3 चार 44 mm, तो ये 44 mm, तो 70 + 44 तो 4 × 7 = 11। ये देखिए ये क्या हो गया, अभी देखिए अभी ये 14 mm है और इसको पूरा क्लियर होने में, इसको पूरा क्लियर होने में कितना है, 28 है, तो हमने 28 में तो ये पूरा क्लियर होगा, हम चाहते हैं कि 2 mm और बाहर आ जाए, 2 mm और बाहर आ जाए तो ये पूरा 30 हो जाएगा, अगर पूरा क्लियर हो जाए यहाँ पे ये 2 mm एक्स्ट्रा बाहर आ जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये 14 mm और यहाँ पे 30 ले लिया तो कितना हो जाएगा, हो गया हमारे पास 30 + 14 4 और 44 44 और प्लस हम इसमें 70 और ऐड कर देंगे, प्लस हम 70 और ऐड कर देंगे तो 4 और 114, तो हमने ले लिया यहाँ पे 116, यानी कि 4 mm का गैप आएगा यहाँ पे, जब ये आएगा, जब ये यहाँ से चल के यहाँ आएगा तो 4 mm आगे तक आएगा, तो G01 X 116 Y 40। Y तो 40 पे, पहले भी 40 पे है, अभी भी 40 पे ही है, तो Y पे कोई मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ ये मूव करेगा जहां पे खड़ा है वहां से 116 mm, तो 70 ये हो गया, 14 ये हो गया और 30 - 32 mm ये यहाँ पे हो गया, तो ये पूरा 116 mm ये सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट से, इस सेंटर पॉइंट से, इस सेंटर पॉइंट से ये जब कटर आपका यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे 116 mm मूव कर जाएगा, 116 mm मूव कर जाएगा, ये इसमें कटर क्या होगा, 14 mm इधर रहेगा और 14 mm, मतलब कटिंग जो होगी वो 14 mm ही होगी जॉब की, 14 mm ही जॉब के ऊपर टच करता हुआ जाएगा 14 mm। उसके बाद देखिए, उसके बाद G00, अभी देखिए उसने G00 लिया और टूल को अपना उधर को शिफ्ट किया, G00 X तो 116 रहेगा, इसलिए X की वैल्यू लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, या लिख भी दिया तो X 116 यहाँ से 116 ही रहेगा। Y54, अब ये क्या है, Y54 अभी ये 40 था, 40 में 14 mm और ऐड कर दिया, यानी अभी ये मतलब 54, तो 54 पे जाके ये ऐसे आएगा, तो अभी कटर क्या आएगा, पूरा पूरा इस जॉब के ऊपर टच करेगा, लेकिन ये 14 mm ऑलरेडी कटिंग हो रखी है, 14 mm मतलब जो ये कटिंग मार्जिन ले रहा है ये कितना ले रहा है, 14 mm का ले रहा है, हाफ ले रहा है, कटर का हाफ ले रहा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और फिर कटिंग करते हुए G01 X 14 Y 54, तो X 14 पे आएगा और Y 54 पे आएगा इस प्रकार से, फिर ये इधर जाएगा G00 X 14 X तो 14 पे ही रहेगा,
और वाई 68 यानी कि 14 mm उसने और शिफ्ट कर दिया, उसमें 54 में 14 mm और ऐड कर दिया, तो वो उधर को चले गया और फिर ये G01, फिर वो X 116 पे चले गया। तो जब ये शिफ्ट कर रहा है उस टाइम G0 पे कर रहा है, मतलब रैपिड में कर रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है यहाँ पे, इसीलिए इसने फ्री है। और यहाँ पे भी आ शिफ्ट ये इधर से हो रहा है एक साइड से, और फिर आके फिर यहाँ पे हो रहा है, तो 14 mm शिफ्टिंग हो रही है। और इस प्रकार से ये पूरी हमारा यहाँ पर G0X14, एक बार फिर से देख लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है G01X16Y40, यानी कि ये X16Y40 यहाँ पे आएगा पूरा क्लियर करते हुए, ये यहाँ पे ये वाली लाइन फर्स्ट लाइन पे यहाँ पे, फिर ये Y54 पे चले जाएगा क्योंकि 40 पे पहले से था, फिर ये इधर को आ जाए, ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट है सारे, इसमें इंक्रीमेंटल कोई नहीं है, फिर ये इधर आ गया, फिर हमारा 68 पे चले गया, फिर इधर आ गया, फिर 68 पे, फिर 82 पे चले गया, फिर इधर आ गया, फिर 82, फिर 96 पे चले गया, इधर आ गया, और ये खत्म हो गया यहाँ पे। इस प्रकार से वाई जो है वाई शिफ्ट कर करके हमने ये कटिंग उसने 50% की, फिर G0 Z100 और M30 एंड ऑफ प्रोग्राम। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेन प्रोग्राम है, ये हमारे पास क्या है इसका, ये मेन प्रोग्राम में ही हमारा फेसिंग का पार्ट बन गया है, फेसिंग हमारी हो गई है। सिर्फ हमने कितना कोड यूज किया है इसमें, G0 G01 M30 G43 फीड यूज की है, बस कोड देखिए कितना M06 कितने कोड यूज हुए हैं, ये एक मेन प्रोग्राम है। अब इसमें क्या है, सपोज करो हमने यहाँ पे 2 mm डेप्थ देनी थी, तो तब हमारे पास तो हमने एक कट में हमने 2 mm, अगर हमें यहाँ पे 10 mm या 20 mm मटेरियल रिमूव करना होता और टूल पाथ हमारा यही रहेगा, टूल पाथ हमारा यही रहता जो है अभी, जैसे जैसे वो टूल हमारा इधर से उधर गया, उधर से इधर गया, उधर से इधर गया, तो तब हम क्या करते, तब हमारा ये प्रोग्राम, या तो हम ऐसे करते कि पहले हम 2 mm डेप्थ दी थी, फिर दो देते, तो 10 mm के लिए 5 कट लगाते, तो ये सारे कोऑर्डिनेट हमें 5 बार लिखने पड़ते। लेकिन अगर हमें 20 कट लगाने पड़ते तो ये सारे कोऑर्डिनेट, इतने कोऑर्डिनेट N30 से लेके और N130 तक, मतलब हमें ये सारे कोऑर्डिनेट 2 mm डेप्थ दी फिर लिखे, फिर 2 mm डेप्थ दी फिर लिखे, फिर 2 mm डेप्थ दी फिर लिखे, बार बार यानी कि लिखने पड़ते। तो इस सब से बचने के लिए, उसमें फिर क्या है कि हमारे प्रोग्राम में मिस्टेक हो सकती है, तो उस सब से बचने के लिए हम सब रूटीन प्रोग्राम का यूज करते हैं। सब रूटीन प्रोग्राम क्या होता है, एक हम सब रूटीन प्रोग्राम बना लेते हैं और उसको वो प्रोग्राम हम फिर हम मेन प्रोग्राम में उसको कॉल करके और उसको बार बार रिपीट कर लेते हैं। तो उसको बार बार रिपीट करने से हमारा जो प्रोग्राम है वो सेम टूल पाथ पे 5 बार चल जाएगा या 10 बार चल जाएगा और वो 10 या 20 mm जो थिकनेस है वो पूरी रिमूव हो जाती है, वो मटेरियल हमारा रिमूव हो जाता है। तो सीएनसी मशीनों में 2 प्रकार के प्रोग्राम यूज होते हैं, एक तो मेन प्रोग्राम तो हर प्रोग्राम का बनना ही बनना है। अगर आपको ज्यादा मटेरियल रिमूव करना है, मतलब उसी सेम टूल पाथ को बार बार रिपीट करना है, तो फिर उसके लिए हमें टूल पाथ सब प्रोग्राम सब रूटीन, उसको सब रूटीन बोल लो या सब प्रोग्राम बोल लो। अब सब रूटीन प्रोग्राम क्या है, इसको ध्यान से नोट कर लेना। सब रूटीन प्रोग्राम जो है वो सिनोमेरिक में हम L से बना देते हैं, L से, L100, L1000, L2434, L1234 सिनोमेरिक सिस्टम में। और फानुक में हमारा O से ही बन जाते हैं, O1234। लेकिन जो सब रूटीन प्रोग्राम है वो खत्म होगा हमारा M99 से, फानुक में
फानुक में खत्म होगा M99 से, M99 से खत्म होगा और M98 से हम उसको कॉल करेंगे। उसी प्रकार से सिनुमेरिक में, सिनुमेरिक सिस्टम में, जो सिनुमेरिक सिस्टम है उसमें M17 से वो एंड होगा, मतलब सब रूटीन प्रोग्राम जो है वो M17 से एंड होता है और फानुक सिस्टम में M99 से एंड होता है। जैसे एंड ऑफ M30 प्रोग्राम है, एंड ऑफ M30 प्रोग्राम है, तो एंड ऑफ M30 मतलब मेन प्रोग्राम, एंड ऑफ मेन प्रोग्राम है ये M30। उसी प्रकार सब प्रोग्राम को खत्म करने के लिए M99 या M17 सिनुमेरिक सिस्टम में और M99 फानुक सिस्टम में ये होता है। तो कॉल करने का तरीका वही है और उसको बीच में हम कॉल कर लेते हैं। बीच में पहले मेन प्रोग्राम चलता है, फिर सब प्रोग्राम चलता है और फिर हमारा मेन प्रोग्राम चल के और फिर प्रोग्राम हमारा खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको करते हैं। अभी और भी हमारे पास फिक्स्ड साइकिल है या और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज हैं, ये कैंड साइकिल जिनको हम यूज करते हैं, टैपिंग साइकिल है, तो ये ड्रिलिंग प्रोग्राम, ड्रिलिंग की है, पैक ड्रिलिंग की एक्सरसाइज है। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट क्लास में अभी हम अभी प्रोग्रामिंग की और एक्सरसाइज करेंगे, कोई कंटूर की प्रोग्रामिंग करेंगे और हम आगे और भी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो आज जितना आप लोगों को अभी तक पढ़ाया है उसमें अगर आपको कोई आपको कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। तो आप अपने चैट बॉक्स में अपने सवाल लिख दीजिए, जो भी आपने लिखना है। ठीक है, ये कोई लिख रहा है सूरज कुशवाहा, सर जी क्लास के बाद अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, टर्नर ट्रेड से मिलने वाले जॉब में सीएनसी के बारे में जानना है। तो वो जान सकते हैं आप, ये मेरा फोन नंबर है, आप सूरज कुमार नोट कर लें, सूरज कुशवाहा सॉरी। और ये क्या, ये किसी ने लिखा है N50 में 50 क्या है, N50 में 50 का सीक्वेंस नंबर है, वो सीक्वेंस नंबर बोलो या ब्लॉक नंबर बोलो, जैसे आपका ये पुष्पेंद्र यादव लिख रहा है N50 में 50 क्या है, N50 उसका एड्रेस है, उस ब्लॉक का एड्रेस है। आप उसको, ये कोई जरूरी नहीं कि N50 लिखना है, आपके घर का कुछ भी एड्रेस हो सकता है, तो उसी प्रकार उस ब्लॉक का कुछ भी एड्रेस हो सकता है, आप उसकी जगह पे N10 लिख सकते हो, N5 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मतलब एक ब्लॉक का नंबर, नाम अगर आपने N5 रखा है तो दूसरे ब्लॉक का एड्रेस आप N10 रखेंगे, फिर N15 N20। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे, N नहीं भी देते हैं और N50 N20 नहीं देते हैं तो तब भी आपका प्रोग्राम चलेगा, लेकिन वो उस ब्लॉक का एड्रेस, अगर उस ब्लॉक में कोई मिस्टेक है तो उस ब्लॉक के बारे में आपको मशीन में एरर बता देगा कि फलाने ब्लॉक में N50 में एरर है। तो 50 जो है वो ब्लॉक का एड्रेस है, कुछ ना कुछ तो नंबर डालना पड़ेगा ना उसका। सूरज कुशवाहा लिख रहा है, ये लिख दिया, नीचे लिख दिया मैंने। G01 में XY एंड फीड देते हैं, तो फीड जो लेगा वो फीड में या फीड MM, ये आपने गलत लिखा है, फीड MM पर मिनट, फीड MM पर मिनट या फीड MM पर रेवोल्यूशन में लेगा, फीड MM पर मिनट। जब मिलिंग मशीन में हमेशा फीड, देखिए जब हम मिलिंग पे काम करते हैं तो मिलिंग में मशीन
मिलिंग में देखो, पहली बात तो किसी भी मशीन में आप एमएम पर मिनट देना चाहो, एमएम पर रेवोल्यूशन देना चाहो, दे सकते हो। लेकिन स्टैंडर्ड ये है, स्टैंडर्ड ये है, और 95% हम मिलिंग मशीन में एमएम पर मिनट में फीड देते हैं। मिलिंग मशीनों में, चाहे वो कन्वेंशनल मशीन हो चाहे सीएनसी मशीन हो, एमएम पर मिनट में मशीन देते हैं, एमएम पर मिनट में फीड देते हैं, और टर्निंग में हम एमएम पर रेवोल्यूशन में फीड देते हैं। तो ये अंकित अंकित ये चीज नोट कर लो कि जब हम मिलिंग मशीन में फीड देते हैं तो एमएम पर मिनट में, तो एमएम पर मिनट में फीड कैसे देंगे हम, एमएम पर मिनट में मिलिंग मशीन में एमएम पर मिनट में फीड देते हैं। तो एमएम पर मिनट में फीड देने के लिए हमें, हम देंगे F10, F20, F50, F100, F200, F300। तो वो 300 mm पर मिनट है, इस चीज को आप अच्छी तरह समझ लें। और जब हम लेथ मशीन में, सीएनसी लेथ में या लेथ कन्वेंशनल लेथ में जब हम फीड देते हैं तो वो देते हैं एमएम पर रेवोल्यूशन में। तो कैसे देते हैं, 0.2 mm पर रेवोल्यूशन, 0.1 mm पर रेवोल्यूशन, 0.3 mm पर रेवोल्यूशन, मतलब स्पिंडल का एक चक्कर और 0.3 mm आपका टूल आगे एडवांस होगा, तो वो उसमें देते हैं। अच्छा, ये क्या है, प्रज्वाल, क्या है प्रज्वाल, G40 और 42, वाई यूज G40 और 42 जो यूज करते हैं हम, वो कटर रेडियस कंपनसेशन के लिए करते हैं। वो कटर का जो रेडियस है, अभी इस जॉब में हमने कटर रेडियस कंपनसेशन, जो फेस मिलिंग का अभी ये प्रोग्राम बनाया, इसमें कटर रेडियस कंपनसेशन यूज नहीं किया हमने, क्योंकि इसमें हमें कोई जरूरत, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उसमें G40 और G40 तो है टूल रेट, रेडियस कंपनसेशन कैंसिल करने के लिए, 41 42 जो है वो कंपनसेशन के लेफ्ट हैंड साइड में कंपनसेट करना है टूल को, तो G41 राइट हैंड साइड में कंपनसेट करना है तो G42। गौतम कुमार लिख रहे हैं N10 N130 तक में N50 के बाद लाइट कट गई, तो फिर से N10 या N30 तक प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। देखिए, N50 में अगर लाइट चली गई तो N50 से आपको चलाना पड़ेगा, N50 N40 से एक ब्लॉक पीछे से N40 से आप चला सकते हो, लेकिन वहां पे आपको स्पिंडल स्टार्ट करना पड़ेगा साथ में। पहले MDI मोड में स्पिंडल स्टार्ट करने पड़ेगा, टूल को जितनी डेप्थ है वहां तक पोजीशन लानी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप N40 से या N50 से आप दोबारा चला सकते हैं। टूल नोड रेडियस कंपनसेशन क्यों यूज करते हैं, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आप देखिए यहाँ पे भी जब हम कंपनसेशन यूज नहीं कर रहे हैं तो टूल हमारा आधा जॉब के अंदर और आधा जॉब के बाहर यूज हो रहा है। ये मैंने जब आपको कंपनसेशन पढ़ाया था तो तब भी बता दिया था कि अगर जॉब जो अगर हमें बनाना है 110 mm साइज, तो वो बन जाएगा 10 mm का कटर यूज कर रहे हैं तो वो 20 mm, 10 mm कम बन जाएगा, मतलब एक पॉकेट हमने अगर 100 mm लंबी बनानी है तो वो 90 mm लंबी ही बनेगी। सर, फानुक और सिनुमेरिक में ओ और एल क्या है, ओ से प्रोग्राम का नंबर लिखते हैं, प्रोग्राम का नंबर लिखने का तरीका है, प्रोग्राम नंबर लिखना है हमने, तो फानुक में ओ से लिखते हैं, सिनुमेरिक में सब रूटीन एल से लिखते हैं, और मेन प्रोग्राम जो वो परसेंटेज से लिखते हैं। नंद कुमार साहू, हेम कुमारी लिख रही है सर M03 जीरो कोड प्रोग्राम एंड करने का, M30 है ये, देखिए लास्ट में N130 पे देखिए M30, M30 कोड एंड करने के लिए यूज करते हैं, मेन प्रोग्राम एंड करने के लिए। जब आपको प्रोग्राम को खत्म करना है तो लिखना पड़ेगा कि M30, तो M30 से आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। N40 से चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पड़ता है, गौतम कुमार लिख रहे हैं N40 से कुछ नहीं करना पड़ेगा, पहले उसको टूल को वहां पे पोजीशन करना, पोजीशनिंग तो वो ले लेगा लेकिन स्पिंडल रन करना पड़ेगा आपको, स्पिंडल रन करना पड़ेगा, और जेड की वैल्यू नहीं है वहां पे कि जेड आपका कहाँ पे पोजीशन करेगा, जेड की वैल्यू भी साथ में देनी पड़ेगी।
N40 से चलाने के लिए, नहीं तो वो टूल आपका जहां पे ऊपर हवा में ही चलेगा। सुभाष सर हमारे पास टाइम की कमी है थोड़ी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। बाकी लोगों को अगर कोई क्वेरी है तो वो नेक्स्ट क्लास में हम पूरी कर लेंगे अभी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।